हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके ही चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, कई लोगों का फ्यूचर्स अकाउंट जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उनके में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा है, इस बारे में ही हम वीडियो में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप क्या करिए कि आपका अकाउंट लॉगिन होने लगे फ्यूचर शो का। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आप जब लिंक पे क्लिक करके जाते हैं फ्यूचर शो के, तो देखिए अगर आप गूगल क्रोम में खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। एमसेट में खोलते हैं तो भी लॉगिन हो जा रही है, लेकिन ये जो ब्राउज़र है एमआई का, जिनके पास मोबाइल है तो उनके में ये ब्राउज़र होगा, और भी मोबाइल में ब्राउज़र होते हैं शायद उसमें हो सकता है ओपन ना होते हों, लेकिन मैंने इसमें चेक किया है, इसमें आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। चलिए इस पर हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको। बहुत से लोगों का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हो जाता है, तो उसको भी हटाने का मैं तरीका बताऊँगा और बताऊंगा कि कैसे आपका डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करता हूँ, और उसके बाद कैप्चर कोड फिल करता हूँ मैं, देखिए मैंने सब कुछ सही सही कैप्चर कोड लिखा हुआ है, RHJ1U लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं जब लॉगिन पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कैप्चर नॉट मैच, और ये ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ से गायब हो जाता है। मैंने कल बहुत कोशिश की इस पे लॉगिन करने के लिए, लेकिन इस पे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोगों का दूसरे ब्राउज़र में ओपन हो जा रहा है तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, और इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। तो और मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे लोगों का डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। देखिए जब आप लिंक पे क्लिक करके जाते हैं तो गलती से इस पे क्लिक हो जाता है, इस पे क्लिक हो गया और इस ब्राउज़र को अब ओपन कर दिए किसी भी ब्राउज़र को, तो वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। देखिए जब मैं फिर अब डायरेक्ट चला जाएगा वहाँ पे दोबारा क्लिक करने, दिखे अब वहाँ पे नहीं पूछेगा कि आपको किस ब्राउज़र में ओपन करना है, ये डायरेक्ट आपको लेके चला जाएगा उसी ब्राउज़र में जिसको आप डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर चुके हैं। तो आपको डिफ़ॉल्ट क्लियर कैसे करना है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइएगा, ये आपकी मोबाइल की सेटिंग है। अगर जिन लोगों को MI का मोबाइल है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप सबसे नीचे जाइएगा, वहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड ऐप मिल जाएगा। अगर आपका दूसरे कंपनी का मोबाइल है तो उसमें कुछ और लिखा होगा, हो सकता है इंस्टॉल्ड ऐप लिखा हो या तो एप्लीकेशन लिखा होगा। आपको ढूंढना है कि जिसमें एप्लीकेशन दिया हो सेटिंग में, तो उसमें आपको जाना है और वहाँ पे उस ब्राउज़र को खोजना है जो डिफ़ॉल्ट सेट है। तो मैंने आपको देखा था ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें आप नीचे जाएंगे। MI का अगर मोबाइल है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्लियर डिफ़ॉल्ट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये क्लियर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट जो है हमारा क्लियर हो गया है, डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ था वो हट गया है। तो आपका भी इसी तरह डिफ़ॉल्ट क्लियर करने के लिए ऑप्शन रहेगा, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा इसके और अंदर, हो सकता हो परमिशन के अंदर हो, ऐप परमिशन के अंदर, आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइए किस कंपनी का मोबाइल है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपका आप अपने मोबाइल का नाम बता दीजिएगा, मैं देख के उस मोबाइल में आपको बता दूंगा कि उसमें कहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये तो हमारा हो गया, डिफ़ॉल्ट सेट जो था वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको अब फिर से बताता हूँ। देखिए अब लिंक पर आप जब क्लिक करके जाएंगे तो दूसरे ब्राउज़र में आप ओपन नहीं हो रहा है, तो आप गूगल क्रोम में ओपन करिए। देखिए ये इसको हम हटा देंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो ये बार बार मांगेगा, डिफ़ॉल्ट नहीं सेट होगा। गूगल क्रोम में जब आप ओपन करेंगे
तो आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके और फिर कैप्चर कोड फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी आईडी लॉगिन हो गई। जब मैं ब्राउज़र में ओपन कर रहा था तो हमारी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही गूगल क्रोम में ओपन किया हमारी आईडी लॉगिन हो गई। तो दोस्तों एक लोग का और मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, तो मैंने देखा तो उनका ब्राउज़र पे सेलेक्ट था, इसलिए उनकी आईडी नहीं लॉगिन हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे गूगल क्रोम में खोला तो वो आईडी ओपन हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल क्रोम में ओपन करिए तो आपकी आईडी ओपन होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।